कानपुर अपहरण और फिरौती मामले में नया पेच जो है वो सामने आया है। बयान से पलटी है। अगवा किए गए युवक की बहन कुछ लोगों के बहकावे में आकर झूठ बोला था, फिरौती के 30 लाख रुपए देने की बात जो है वो झूठी है। तो कल तक बहन जो है रुचि वो ये कह रही थी कि उसका भाई जो है वो अगवा किया गया है और 30 लाख की रकम फिरौती की जो है मांगी गई और हमने वो रकम भी दी, वो रकम वापस भी नहीं आई, ना तो भाई लौट पाया। अब इसमें एक नया टर्न, कह सकते हैं यू टर्न ले लिया है युवक की बहन ने। किसी के बहकावे में आकर मैंने ये बात कही, बयान से अब पलट चुकी है रुचि। ये 30 लाख वाली जो बात है ये झूठी है? तो बैग में पैसे नहीं थे? हमारे सहयोगी नीरज अवस्थी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, कल हमने खुद रुचि से बात की थी और रुचि का यही कहना था, जिस तरीके से वो बता रही थी, बयां कर रही थी कि कैसे 30 लाख रुपए इकट्ठा किए, कैसे खुद अपर्णा जी से बात हुई उनकी और उन्होंने खुद बैग दिया, उसी बैग में पैसे रखे गए, अब ये सब बात झूठी है, कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। जी देखिए, आपको बता दूं इस पूरे मामले को जब हमने प्रमुखता से चलाया तो हड़कंप मच गया पूरे पुलिस विभाग में। वो अधिकारी जो है आनंद फरन में थाने पहुंचे और तमाम जो टीमें हैं इसकी निगरानी में लगाई गई मामले के। उसके बाद लगातार परिजनों से काफी देर बातचीत हुई। उसके बाद आज जो है परिजनों का बयान जो है वो बिल्कुल इतर है कल की अपेक्षा। आज जो लोग हैं वो परिवार के वो बिल्कुल कह रहे हैं कि उन्होंने उसको फिरौती नहीं दी है। हाँ, बाकी अन्य बातें जरूर स्वीकार की जा रही कि बैग दिया गया, बैग फेंका गया और अपहरणकर्ता जरूर पूरे सूचकमा लेके भाग गए, लेकिन ये तमाम चीजें आ रही। लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही है उससे साफ कहीं ना कहीं इशारा हो रहा है कि पुलिस ने दबाव डाला हुआ है पीड़ित परिवार पे। अब असलियत क्या है वो परिवार आगे बताने की बात कह रहा है कि चलिए नीरज पहले ना कल का बयान सुनवा देते हैं, क्योंकि कल हमने बात किया था रुचि से, तो एक बार दर्शकों को वो बयान सुनाते हैं जब चीख चीख के रुचि कह रही थी कि किस तरीके से पुलिस कर्मियों ने पैसे दिलवाए हैं अपहरणकर्ताओं को। एक बार वो बयान सुनाते फिर आपके पास आते हैं। भाई का किडनैप हुआ, फिरौती का फोन आ रहा है, कल लास्ट उसने कॉल की कि पैसे लेके आओ। हम लोगों ने पैसे का इंतजाम किया, हम दोपहर में हम माँ बेटी अपर्णा मैडम के पास गए, हमने कहा मैडम बैग तो जा रहा है, उसमें कुछ ही पैसे चीज लगा दीजिए कि वो मेन तक जाए, क्योंकि वो खुद तो पैसा लेने नहीं आएगा, ये आप भी जानते हो। मैडम ने कहा वो बैग हमारा रहेगा, पैसे आपके रहेंगे। हमने कहा ठीक है मैडम, कहते बाइक भी मेरी रहेगी। हमने कहा ठीक है, कहते वो सारा इंतजाम हो जाएगा, तुम चिंता ना करो, वो सब हम करेंगे। हमने कहा ठीक है मैडम, उसमें चिप लगा दीजिए। हमारे कहने के बाद भी उसमें चिप नहीं लगाई गई। ये अपर्णा मैडम, ये साउथ SP हैं। पैसे भी मेरे दिलवा दिए और मेरे भाई को भी नहीं मिलाया। पुलिस ये कह रही थी कि पैसे तो हम हासिल कर लेंगे, पहले आपका बच्चा मिल जाए। पुलिस एक एक सब साथ में थी, नीचे हाईवे से उसने पैसा बिकवाया। आधे घंटे तक मेरे पापा से बात भी करता रहा। क्या पुलिस के समझ में नहीं आया कि नीचे पैसा बिकवाया जाएगा? और सर खुद कह रहे थे, रंजीत राय सर कह रहे थे, देख लेना चमन लाल नीचे पैसा बिकवाएगा। जब ये सब इन्हें पता था, जो मेरे पापा के दोस्त और मेरा बुआ का लड़का लगा था उनको हटा के इन्होंने इतनी देर में सारा मेरा पैसा भी चला गया। मेरा भाई भी मेरे हाथ नहीं लगा, पैसा मेरा मकान भी बेचा था, मेरी शादी का पैसा था, जो ज्वेलरी थी वो भी समय में हमें हमारा भाई चाहिए था। तो ये कल का बयान है रुचि का और आज फिर रुचि इसी बयान से पलट गई है। अब आज का बयान सुनिए। पैसे वाली बात झूठी, मुझसे लोगों ने कहा था कि आप पैसे गए तो पुलिस की तेजी होगी काम में, इतने दिन हो गए थे लेकिन मेरे भाई का कुछ पता नहीं चल रहा है। अब सर ने टीम लगाई है तो मुझे उम्मीद है, कप्तान सर की टीम से मुझे उम्मीद है कि मेरा भाई 4 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। ये 30 लाख वाली जो बात है ये झूठी है? जी, तो बैग में पैसे नहीं थे?
नीरज, दोनों बयान, और दोनों बयान में अगर रुचि को देखा जाए तो उसके बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। जब वो कह रही थी कि 30 लाख रुपए दिए गए, वो पूरी कहानी, अगर ये सब झूठ है, ये बात झूठ है, तो इतनी डिटेल में कैसे वो कहानी बता रही है कि कब पैसे फेंकने के लिए कहे गए और रंजीत राय जी ने कहा कि वहां से निकल जाओ और पैसे भी ले गए, मेरे बुआ का बेटा, मेरे चाचा जो है वो लगे रहे, इतनी कहानी इतनी डिटेल में बता पाना। और आज जब वो बयान दे रही थी तो चेहरे पे एक डर, एक ऐसा लग रहा था किसी प्रेशर में है रुचि। नीरज, देखिए, मैंने पहले बताया कि जिस तरीके से कल उसके बयान थे, उसके बाद तमाम पुलिस महकमा जो है हरकत में आया। देर रात तक SSP खुद 2 से 3 घंटे तक परिवारजनों के साथ बैठे रहे, तमाम टीमें लगाई गई, उसके बाद ही ये बयान आ रहा है। तो साफ तौर पर इशारा करता है कि पुलिस के दबाव के चलते इस तरीके की चीजें कही जा रही हैं। इसके अलावा बिना कैमरे पे जो पीड़िता है उसका कहना है कि ये चीजें मैं बाद में पूरी चीजें बताऊंगी, अभी सबसे पहली प्राथमिकता है कि मेरा भाई सही सलामत घर पहुंच जाए। तो ये तमाम प्रश्न उठ रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि वो बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा है, तो ये तमाम चीजें हैं जो इस मामले के खुलासे के बाद सामने आएंगी। किसी पुलिस महकमे में किसी अधिकारी से बात हुई है, SSP से आपकी बात हुई है, आखिर ये यू-टर्न कैसे आ गया? लगातार अधिकारियों द्वारा ये चीजें कही जा रही है कि इसमें पैसों की फिरौती की बात जो है वो पूरी तरीके से सही नहीं है। इसको लेके आज भी लगातार बयान जारी हुए हैं, चाहे वो SSP के मीडिया सेल के माध्यम से हो और चाहे SP साउथ अपर्णा गुप्ता जी की तरफ से बयान हो, उसमें साफ कहा गया है कि ये फिरौती की बात जो है किसी के बहकावे में आके कही गई। एक बात बताइए, नामजद, जैसा कल हम रुचि से बात कर रहे थे, उस वक्त रुचि ने ही बताया था कि नामजद कंप्लेन उसने लिखी थी किसी लड़के से जिससे शादी फिक्स हो रही थी, पिताजी उसके गए थे, उसकी तरफ से कोई कॉल आया था, जो कॉल आया था फिरौती के लिए 29 जून को भाई अगवा होता है, बाद में कॉल जब आया तो उसने बताया कि डिटेल से पता चला कि वो उसी लड़के का फोन है जिससे शायद रुचि की शादी की बात चल रही थी, इसीलिए नामजद कंप्लेन फाइल की गई थी। कंप्लेन देखी है नीरज आपने, उसमें तो जिक्र होगा ना कि 30 लाख मांगा गया है कि नहीं, क्योंकि रुचि का कहना है कि फर्स्ट कॉल में ही ये बात आई थी और कहा गया था कि 30 लाख का इंतजाम करें, एक हफ्ते बाद फोन करूंगा। जी बिल्कुल, हम ऑडियो भी अपने दर्शकों को सुना चुके हैं कि किस तरीके से फिरौती उसमें मांगी जा रही है और तमाम जो उसमें चीजें कही जा रही हैं, वो तमाम चीजें हम अपने दर्शकों को पहले जो एक्सक्लूसिव ऑडियो था अपहरणकर्ताओं का वो हम सुना चुके हैं। इसके अलावा पुलिस जो है तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है, तमाम उन लोगों पर जिनके परिवार ने कहा कि ये संदिग्ध हो सकते हैं उनको गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ चल रही, लेकिन पुलिस के हाथ लगातार अभी भी खाली हैं। जी खाली तो है नीरज, FIR अगर की गई है तो FIR की कॉपी जरा निकलवाइएगा नीरज, क्योंकि उससे क्लियर हो जाएगा 30 लाख वाली बात लिखी गई है या नहीं, या फिर FIR ही दर्ज अभी तक नहीं हुई है, सिर्फ एक कंप्लेंट लिखी गई है। जरा एक बार पता करके देखिए कि क्या कहना है इस बारे में, क्योंकि 30 लाख की बात बार बार रुचि कह रही थी, हमने भी पूछा उस वक्त भी कह रही थी, इतनी डिटेल में सारी बातें मनगढ़ंत थी क्या? और अब जब SSP इस मैटर में घुसे तो तुरंत यूटर्न हो गया कि मैंने बात गलत बोली कि लोगों के बहकावे में आके, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। तो FIR की कॉपी अगर आप निकलवा पाए नीरज तो निकलवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।